जब इन्वर्टर एक का इंडोर यूनिट बिल्कुल कुछ भी काम ना करे तो क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं। आज उसमें से एक सिचुएशन हमारे पास आज बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पीसीबी जो है वो कस्टमर लेके आया है, ये जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो जो ही मैं इसको इलेक्ट्रिक देता हूँ, तो इलेक्ट्रिक मैंने ऑन की तो देखें यहाँ पर ये पीसीबी बिल्कुल ऑन नहीं हुआ है, इसका डिस्प्ले बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और अगर हम इसकी मेन इलेक्ट्रिक को देख लेते हैं, इसको पहले एसी वोल्टेज पे ले जाते हैं, ये एसी वोल्टेज हो गए। अब जो है ये इसका जो है वो मेन कॉमन टर्मिनल है जहाँ पर कि लाइन जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पर प्रोब को लगा लेते हैं मीटर की। तो मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ पर प्रोब को मैंने लगाया, और जो दूसरी प्रोब है उसको हम इसकी न्यूट्रल पे लगा लेते हैं। तो जब न्यूट्रल पे मैंने लगाया तो यहाँ पर देखें 225 वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं। और अगर हम इसके बाद फ्यूज़ को देखें तो देखते हैं कि अगर फ्यूज़ जला होगा तो फिर भी वोल्टेज आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्रोब को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये वाली प्रोब है हम यहाँ पे लगाएंगे रेड वाली, और न्यूट्रल के साथ दोबारा हम लगा देंगे। तो ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है जी, 226 वोल्ट जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक है वो हमारे आगे SMPS की तरफ जा रही है। और SMPS में ये देखें यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो ब्रिज रेक्टिफायर पर हम चेक कर लेंगे। अब इसकी ब्रिज रेक्टिफायर पर हम लगा लेंगे पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर लगाया और दूसरा यहाँ पे लगाया। तो देखते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर तक जो है वो इलेक्ट्रिक आ रही है कि नहीं। ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रिक आ रही है, 227 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद हमने आगे डीसी वोल्टेज चेक करने हैं, तो डीसी वोल्टेज को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर 316 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसके SMPS की तरफ जो है वो प्रॉपर 313 वोल्टेज आ रहे हैं। तो आगे फिर स्विचिंग आईसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कि स्विचिंग आईसी को चेक कर लेंगे। अब SMPS में यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है स्विचिंग आईसी, तो ये है जी TNY276GN। तो ये एक SMD जो है वो स्विचिंग आईसी है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उसके लिए हमें जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो चेक करने होंगे इस कैपेसिटर पे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर की एक टर्मिनल पे मैं एक प्रोब को लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, और जो ग्राउंड होती है वो इसकी सोर्स पिन पे आ रही होती है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कितने वोल्ट आ रहे हैं। 310 वोल्ट जो हैं वो पहुँच रहे हैं, 314 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जो स्विचिंग ऐसी है उसको काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा तो फिर भी वजह हो सकती है इसकी प्रॉब्लम की। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की। अब यहाँ तक आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा जो है वो इलेक्ट्रिक के मेन जो सोर्सेज होते हैं वहाँ पर तक प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में कैसे प्रॉब्लम है और मुझे कैसे पता चला वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको बंद किया मैंने, कभी कभी मैं ऐसा तजर्बा करता हूँ, अगर फॉल्ट की समझ ना आए तमाम कंपोनेंट्स को उसमें से अलग किया कर दिया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, जब इसकी मेन इलेक्ट्रिक को मैं यहाँ से अलग करता हूँ तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पर जो रिले लगी हुई है तो वो देखें काफ़ी बैडली जो है वो डैमेज है। और कस्टमर ने यहाँ पर ये कंप्लेन की है कि पहले जो हुआ था कि कभी कभी यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता था, और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर इसने बिल्कुल डिस्प्ले ही देना बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में दो वजूहत हो सकती हैं, या तो ये पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक ही पास नहीं कर रहा है, और या फिर इसकी वजह से जो है वो फॉल्ट किसी और कंपोनेंट में भी आ चुका है। तो इसके लिए मैं तमाम जितने भी सेंसर्स होते हैं इसमें, इसमें मोटर होती है, इसमें डिस्प्ले होता है, तो सब चीज़ों को एक दफ़ा अलग कर देता हूँ। अलग करके तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि क्या इसका कोई हमें फ़ायदा होता है कि नहीं होता। इसके बाकी तमाम कंपोनेंट्स मैंने बारी बारी निकाल दिए हुए हैं, अब सिर्फ बारी रह गई है डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले के बगैर तो ये इसने हमें समझ नहीं आता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन इसको भी हम एक दफ़ा उतार देते हैं। तो इसके डिस्प्ले का ये कनेक्टर है, इसको मैंने उतारा। उतार के अब डिस्प्ले के बगैर जो है वो मैं इलेक्ट्रिक ऑन कर देता हूँ। तो इसको मैं वापस लगा देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने खोला था। अब इसकी मैं इलेक्ट्रिक को ऑन करता हूँ, और जो ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक दी है तो पीसीबी ने साउंड निकाली है, और ये साउंड जो है वो स्विचिंग की साउंड है। इसके अलावा साथ ही इसमें जो लगी हुई रिले है जिसके पॉइंट जले हुए हैं तो इसने भी स्विचिंग कर दी है। अब मेरे पास जो सिचुएशन बनी है वो ये है कि जो ही मैंने डिस्प्ले को यहाँ से हटाया है तो हमारा पीसीबी जो है वो ऑन हो चुका है। इसका मतलब है कि ये फॉल्ट जो है वो इसके डिस्प्ले में हो सकता है। जब मैंने इसकी मोटर को अलग किया तो इसमें जो है वो पीसीबी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। इसके सेंसर्स को मैंने हटा दिया, फिर भी पीसीबी ठीक नहीं हुआ। और अब मैंने इसके आपके सामने जो डिस्प्ले है उसको हटाया, तो डिस्प्ले हटाने से साथ ही पीसीबी जो है वो ऑन हो गया, यानी कि वो स्विचिंग कर गया है। इसका मतलब है कि
फॉल्ट है वो इसके डिस्प्ले में हो सकता है। तो चलें डिस्प्ले को खोल लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है भी कि नहीं। इसकी इलेक्ट्रिक बंद कर देते हैं, डिस्प्ले को यहाँ से हम आउट कर लेते हैं। तो आउट करने के लिए यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको हमें प्रेस करना होगा। ये बाहर आ गया इधर से, इस तरह से इधर पॉइंट है उसको भी प्रेस कर लेते हैं, ये भी बाहर आ गया और ये पॉइंट रह गया, यहाँ से भी इसको भी प्रेस कर लेते हैं, ये बाहर आ गया जी। इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये जी बाहर आ गया। अब इसके डिस्प्ले को जब मैंने खोला है तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सिस्टम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये वाला जो है यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर एक शिफ्ट रजिस्टर है ये लगा हुआ है। तो इसका नंबर जो है वो है SH97F1612A। तो ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये जो 8 बिट पैरेलल आउट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है इसका नंबर है जी 74HC164। अब इसके अंदर जब माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है तो अगर माइक्रो कंट्रोलर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका जो मेन पीसीबी है उसका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो और ये जो डिस्प्ले का माइक्रो कंट्रोलर है ये दोनों आपस में सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए से जो है वो आपस में बातचीत करके तो आगे डिस्प्ले को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, और आगे जो जिम्मेदारी है वो शिफ्ट रजिस्टर की है LEDs को ऑन और ऑफ करना। अगर मेरे बहुत से दोस्त पहले से ये काम जानते हैं तो उनको पता होगा कि डिस्प्ले में जो है वो काफी ज्यादा वायर्स जो है वो आई होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये देखिए 4 वायर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है जिनके जरिए से सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ माइक्रो कंट्रोलर्स हैं और आपस में सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए से तमाम काम अंजाम पा रहा है और फिर वायर्स जो हैं वो कम हो जाती हैं इससे। अब अगर हम वायर्स को देखें तो ये जो 4 वायर्स हैं ये वाली 1, 2, 3, 4, तो ये चारों वायर जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो चारों वायर जो हैं वो देखें स्टार्ट में ही यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और इसके साथ फिर एक और बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। इनको पहले चेक कर लेते हैं कि इनमें से अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही होगी तो फिर भी मसला हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर ना ही शॉर्ट हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके ख़राब होने की वजह से फिर ये डिस्प्ले जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसको हम चेक कर लेंगे पहले जो है ओम्स में, तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो पहले इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, तो ये जो है वो 10K की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी ये 10 किलो ओम्स ही शो कर रही है। इसके बाद जो अगली है वो 101 मतलब के 100 ओम्स की, इसको चेक कर लेते हैं, ये 100 ओम्स ओके शो कर रही है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी 100 ओम्स, तो ये तीनों 100 ओम्स शो कर रही हैं। अब इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, लेकिन इस कैपेसिटर को हम कंटिन्यूटी मोड में चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी मोड में जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जो है वो इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, तो ये कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर को जो है वो थोड़ी देर वोल्टेज लेने के बाद DC को ब्लॉक करना चाहिए था, लेकिन ये DC को ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट, बिल्कुल जी ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से इसके साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी इससे DC कैपेसिटर है, तो DC कैपेसिटर की ये क्वालिटी होती है कि वो DC वोल्टेज को ब्लॉक करता है। अगर ब्लॉक ना करे तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये शॉर्ट सर्किट होता है। पहले इस कैपेसिटर को यहाँ से आउट कर लेते हैं, जी आउट कर दिया मैंने, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि जो सिस्टम है वो ठंडा हो जाए। और ये जो कैपेसिटर है इसको मैंने फिलहाल सेफ जगह प्लेस कर दिया है ताकि हम सिस्टम को चेक कर लें, तो उसके बाद फिर इस पे काम करेंगे। अब दोबारा से जो है वो हमारा मल्टीमीटर को हम ले जाएंगे कंटिन्यूटी मोड पे, कंटिन्यूटी मोड, और अब मैं लगा देता हूँ इसको, दोबारा से देखते हैं कि क्या है मसला है। तो अभी भी ये शॉर्ट सर्किट ही शो कर रहा है जी, बिल्कुल। इसके नीचे भी एक कैपेसिटर है जी, उसको भी खोल लेते हैं, इसको हम दोनों को गर्म कर देंगे। ये भी एक कैपेसिटर है इसके नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है, तो ये E8 जो कैपेसिटर है ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ये देखें बाहर आ गया। और कैपेसिटर को यहाँ से निकालने के बाद दोबारा से कंटिन्यूटी मोड पर हम चेक करेंगे, तो ये अभी भी शॉर्ट ही है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, देखें यहाँ से जो है वो सिस्टम पास करके ये देखें तो इस तरफ को जा रहा है और डायरेक्टली जो है वो इस माइक्रो कंट्रोलर में आ रहा है। अब इस माइक्रो कंट्रोलर में जब आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे आती है, तो ये जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फिर ऐसा ही प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा हम किसी और कैपेसिटर पे ट्राई करते हैं कि क्या कोई और कैपेसिटर में भी ये सेम सिचुएशन है कि नहीं। तो देखें ये दूसरा कैपेसिटर है, इसमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। फिर यहाँ पर ये भी शॉर्ट है, ये माइक्रो कंट्रोलर ही शॉर्ट हो है, तो इस वजह से इसी को हम निकालेंगे। इसको निकालने बगैर जो है वो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मैं इसको गर्म कर लेता हूँ, अभी हमें समझ पड़ जाएगी। ये तो बिल्कुल ऊपर को आ गया इसका और ये निकल गया जी। और मेरे ख्याल से कोई भी जो पिन है वो आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं नज़र आ रही,
अब दोबारा से हम उन्हीं पॉइंट्स को चेक करेंगे जहां से हमने स्टार्टअप लिया था। तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं मीटर को, मीटर को सही है, अब जो है वो पॉइंट्स पे लगा लेते हैं और इसकी जो शॉर्ट सर्किट है वो ठीक हो गई है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये माइक्रो कंट्रोलर है वही शॉर्ट सर्किट है और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब जब माइक्रो कंट्रोलर जो है वो शॉर्ट हो जाता है तो वो क्योंकि प्रोग्राम्ड होता है तो इसको दोबारा प्रोग्राम करना फिर से एक चैलेंज है, तो इसलिए ये डिस्प्ले जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो हम इसके लिए नया डिस्प्ले जो है वो परचेज़ करेंगे ताकि जो है वो इसको चलाया जा सके। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करें।